जनपद में अवैध शराब के आकर्षण को रोकने के लिए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने नई पहल करते हुए जिले के सभी थानों पर एक उपनिरीक्षक को नामित किया है, जिसको लेकर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने शुक्रवार को नामित सब इंस्पेक्टरों के साथ पुलिस लाइन सभागार में एक बैठक किया। बैठक में एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा सहित थानों के इंस्पेक्टर मौजूद रहे। बैठक में एसएसपी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि नामित इंस्पेक्टर अपने हलका दारोगा से प्रतिदिन फीडबैक लें, कहीं उनके क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब का निर्माण और बिक्री तो नहीं हो रहा है। एसएसपी ने कहा कि अगर कहीं क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री होते हुए पाई गई तो नामित सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। कैचेस खोला गया जो बार बार पकड़ा गया, अलग से आप लोग नीति थाने इसलिए देखिए समुचित कार्रवाई, यानी कि आधा अधूरा काम एक आध काम करनी है तो उसमें गोंडा वाली कार्रवाई, गणेश्वर वाली कार्रवाई, रास्ता वाली कार्रवाई, करने वाली कार्रवाई, गैंग मास्टर की कार्रवाई, जो भी लंबित कार्रवाई न्यायालय चल रहा हो न्यायालय चल रहा है उसके कर्मी करना है। नियुक्ति कब हुई है, हो गया होंगे जब वो गया था आदेश, तभी से नियुक्ति है सर इन लोगों की, तो आदेश स्तर के लिए इन लोगों ने उसमें लगाया था डुप्लेट में कि ये लोग कुछ प्रस्तावित किए थे एचएस, लेकिन वो एचएस का पता नहीं चला कि खुला है या नहीं। रिपोर्ट में भेजता हूँ तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ, रजिस्टर में बहुत बात कर लेता हूँ, मैंने ये रिपोर्ट भेजा क्या हुआ क्या नहीं, उसका फॉलो कर लीजिए आप लोग। तो कुछ कमी बताए होंगे ना, देखिए ये नई व्यवस्था लागू की है और ये संभवतः आगे जारी रहेगी। जैसे आपने देखा है बाल कल्याण अधिकारी एक सब इंस्पेक्टर नामित है आपके थानों में, एक सब इंस्पेक्टर नामित हो रहा है एंटी रोमियो या महिला और इसके लिए। तो सिमिलरली चूंकि अवैध शराब, नकली शराब और जहरीली शराब, शराब जो है जो नुकसान कर रही है वो तीन तरह की शराब है, अवैध, जहरीली और नकली। इन पर नियंत्रण पाने के लिए एक सब इंस्पेक्टर यानी आपको हमने हर थाने में नामित किया है। आपको आपके कार्य एसपी क्राइम साहब ने समझा दिए होंगे, मोटा मोटी मैं दो मिनट में समझा देता हूँ। आपके थाने में अगर चार हलके हैं, हलका दरोगा पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है अगर कहीं जहरीली शराब से मौत होगी, हलका दरोगा अच्छे से उसमें उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपका काम है कि वो क्या कर रहे हैं उस पर निगरानी रखिए, और जिला स्तर पर हमने टीम बनाई है, सब इंस्पेक्टर साहब खड़े हो गए, आप इनको देख लीजिए, ये रीडर सेक्शन में सब इंस्पेक्टर है, ये आपको फोन करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी आपका बना है, आपके जो भी अवैध नकली जहरीली शराब जो भी चल रही है आप उस हलके को चेतावनी जारी कर सकते हैं, उस हलके में अगर नहीं सुन रहा है तो आप सीधे ग्रुप में हमें जानकारी दें, उस ग्रुप में मैं हूं और खाली आप है, कोई थानेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसलिए आपकी जानकारी या वन टू वन गोपनीय जानकारी दे दीजिए हमें, जनाब यहाँ हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कल को कोई वारदात होगी आप सस्पेंड होंगे, हल्का दरोगा बर्खास्त हो जाएगा, ये मैं लिख करके दे रहा हूँ, थानेदार सस्पेंड होगा और आप सस्पेंड होगा क्योंकि हमने आपको नामित किया है। आपको कोई रोजाना कहीं चक्कर नहीं मारना है, आपको रोज 10 से 20 मिनट देने खाली, हल्का दरोगा इस बात में आज कहीं लिख को मिलेगी आप देख लीजिए अब करने यहाँ, और आपने सुराग रसी पता रसी रखनी है, अगर कहीं बिक रही है तो हमें कार्रवाई करा, अपने SHO को बताइए कार्रवाई करा लीजिए, SHO साहब नहीं सुन रहे हैं CO को बताइए हमको बताइए। कहने का मतलब है कि ये स्पेशलाइज्ड टास्क है, एक थाने लेवल पर जो रजिस्टर आपका लिखा है उसकी निगरानी पड़ताल आप करते रहिए, चेक करते रहिए हल्का दरोगा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई बार ऐसा होता है थानेदार को भी नहीं पता, पुलिस वाले को पता है, मिथाइल अल्कोहल टैंकर जो जहरीली शराब है वो मिथाइल अल्कोहल टैंकर से बनती है, मिथाइल अल्कोहल वैसे ही है जैसे इथाइल अल्कोहल होता है, इसके टैंकर चलते हैं मथुरा से आसाम के बीच में और इसी रास्ते से जाते हैं हाईवे से, और जब टैंकर आसाम में खाली होते हैं वापस लौट रहे होते हैं तो टैंकर में 150-200 लीटर बचा रह जाता है, एक एक लीटर वो 100-100 के हिसाब से ही बेचेंगे तो 100 लीटर बेचेंगे 10-20 हजार रुपये उनको मिल जाते हैं, एक लीटर उस मिथाइल अल्कोहल से 1000 लीटर शराब बन सकती है, कुछ नहीं मिलाते हैं खाली पानी मिला देते शराब हो जाती है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल पूरी तरह से जहर है। मिथाइल अल्कोहल से क्या बनता है मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ज्वलनशील होता है उससे मैक्सिमम पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही वो निकलता है, जैसे आप देखते हैं परफ्यूम, इत्र का परफ्यूम बम की तरह,
स्प्रे करिए और अगर लाइटर लगाएंगे आगे ना जल जाएगा बहुत बुरी तरह से। आप हाथ अल्कोहल बेस परफ्यूम, परफ्यूम एक होता है वाटर बेस, एक होता है अल्कोहल बेस। जो अल्कोहल बेस है वो एक तरह से पेट्रोलियम पदार्थ से निकला हुआ मिथाइल अल्कोहल ही होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिथाइल अल्कोहल हो गया, ये मिथाइल अल्कोहल मिला, हमने इतना सा इसमें मिथाइल अल्कोहल डाला, बाकी पानी वानी डाल दिया और बताइए वह एक लीटर शराब है, मिथाइल को खत्म कर दी। ये देखा है वहाँ सहारनपुर में, उधर जब मौतें हुई तो जिस डॉक्टर ने मिथाइल अल्कोहल पी करके जो आए थे, पता चला नकली शराब पी है, तो उनको ट्रिप चढ़ा के असली शराब पिलाई गई और तो मिथाइल को इथाइल ने काट दिया और वो बच गए। जिनको नॉर्मल ट्रिप चढ़ी वो चढ़ा, वो ऊपर अल्लाह को प्यारे। ये चीजें आपने समझनी है। दूसरी चीज है अवैध शराब। अवैध शराब होगी जिसमें ड्यूटी नहीं दी जा रही है, आबकारी विभाग को टैक्स नहीं दिया जा रहा है, चोरी पर लाई जा रही है, गलत पेपर पर लाई जा रही है। और तीसरी हो गई वो कच्ची शराब, जो आप जानते ही आपके गाँव में खेतों में बढ़ती है। कच्ची शराब वो होगी जो अवैध है और साथ में कच्ची भी है। अवैध इसलिए कि उसका लाइसेंस नहीं लिया है दुकानदार ने, बनाने का भी लाइसेंस नहीं लिया है, वितरण का भी लाइसेंस नहीं लिया है, चोरी छुपे ठेले पे बेच रहा है पाउच में, तो अवैध भी होगी और कच्ची बेच रहा है, इसलिए कच्ची भी हो गई। कच्ची शराब से आंखों की रोशनी जाती है, लीवर खराब होता है, साल दो साल में बंदा मर जाता है अगर ज्यादा पीता है। तो ये समझ लें, इन तीनों पर नियंत्रण पाना थानेदार के थाने में आपका काम है, जो नामित किए गए हैं सब इंस्पेक्टर आप सारे लोग।